जैन दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है वो है क्या? हड़प्पा सभ्यता। चौथा लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक, इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था क्या? उसमें हमने पढ़ा था कि हड़प्पा की कुछ साइटों के बारे में पढ़ा था, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, चनहुदड़ो हुआ, कालीबंगा हुआ, रोपड़ हुआ, रंगपुर हुआ, लोथल हुआ, आलमगीरपुर हुआ, धोलावीरा हुआ। कुछ इन तरह की साइटों के बारे में पढ़ा, जो कहाँ की साइट है? हड़प्पा सभ्यता की साइट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी साइट हड़प्पन है, ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से कौन सी साइट है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इस तरीके से पूछ लिए जाएंगे, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, कौन सी साइट कौन सी नदी के किनारे है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। किसने किसकी खोज करी, ये पूछा जा सकता है। कौन सी साइट इनमें से भारत में पड़ती है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सवालों को कितने भी तरीके से वो घुमा सकता है, लेकिन हमने सब तरीके से पढ़ के देख लिया। ठीक, अब वहां तक किसी का कोई डाउट नहीं था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एक एक करके साइट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में पढ़ेंगे, और जो दूसरी साइट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या खास बात रही, क्या खास बात नहीं रही, किस साइट से क्या चीजें मिलती हैं, क्या चीजें नहीं मिलती। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता की, सिंधु हेडिंग डालो, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, के प्रमुख स्थल। ठीक है, स्थल की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से। तो शुरुआत करते हैं, एक तो नंबर वन किससे शुरुआत करते हैं? हड़प्पा। ठीक, हमें देखना है जो प्रमुख स्थल है कहाँ के, सिंधु सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, जो सभ्यताएं हैं इनके जो प्रमुख स्थल हैं इनके बारे में देखने हैं। और जो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम हड़प्पा के बारे में बात की जाए तो इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी कब? 1921 में। 1921 में दयाराम सहानी के द्वारा। ठीक है, इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा हड़प्पा नामक स्थल किसके द्वारा खोजा गया था, तो किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। एग्जाम में इस तरीके से ये चीज पूछी जा सकती है। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है, कहाँ है? ठीक, ये कहाँ है? रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित। जो हड़प्पा साइट है वो कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में ये पड़ती है। ठीक है, इस बात का हमें पता होना चाहिए, इस बात का हमें पता होना चाहिए। अब दूसरी चीजें देखते हैं, प्रमुख चीजें जो हमें इसके बारे में और पता होनी चाहिए, और वो ये है कि यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा नामक स्थल से कौन कौन सी हमें वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर एक से। हड़प्पा कुम्हार का चाक, जिस पे मटका बनाते हैं, मटका रख के बनाते हैं वो, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, अन्नागार, अन्नागार क्या होता है भाई? ग्रीनरी। ये क्या होता है भाई? देखो, अनाज ऐसी चीज है कि अगर उसको नमी पकड़ ले तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है, गेहूं में अगर नमी लग जाए तो वो गेहूं खराब हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं भाई, क्या काम करते हैं आजकल? तो चलो स्टील के, प्लास्टिक के ड्रम आने लगे। पहले क्या करते थे? मिट्टी के बनाए जाते थे, उसके अंदर रख दिया जाता था, जिससे जो अन्न है या जो अनाज है वो खराब नहीं होता था। तो क्या क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, और आपका श्रमिक आवास मिला है।
श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास मिला है। और क्या है आपका? और है आपके मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति आपको पता होना चाहिए। दूसरा, लकड़ी की ओखली, लकड़ी ओखली, लकड़ी की ओखली। एक और क्या मिला है? लक्कड़ का ताबूत मिला है और RH-37 नामक कब्रिस्तान। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, RH-37 कब्रिस्तान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए था हड़प्पा, ऑप्शन बी था ऋग्वेदिक काल, ऑप्शन सी में दूसरी जगह की सभ्यताओं के बारे में दे दिया गया था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है ये? आपका हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है या सिंधु घाटी सभ्यता से यह आपका संबंधित है, इस बात को याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, यहां से और क्या मिला है? हाथी का कपाल, हाथी का कपाल, मतलब यहाँ के लोग हाथी से परिचित थे। ठीक है, जैसे आप देखो ये पता चला हाथी या कपाल तो पूछ लिया जाएगा क्या सिंधु घाटी के लोग हाथी से परिचित थे, आपको लिखना पड़ेगा हाँ थे। ठीक है, और क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह लिखो। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए जब आप इस चीज को पढ़ रहे हो, समझो बात को। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा, जो 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजी गई थी, जो कहाँ है? रावी नदी के किनारे है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली थी जैसे कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक का चिन्ह, और स्वास्तिक का चिन्ह। और क्या भाई, और क्या बात है? ठीक है, और दूसरी बात याद रखना, यह है इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, यह इस सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और यहां पे जो नगरीय व्यवस्था थी वो कैसी थी? देखो, नगरीय व्यवस्था यहाँ पे ऐसी थी, जैसे मान लो ये नदी है, ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है। अब देखो, नदी जा रही है, यहाँ पे ये भूमि है, याली भूमि कम ऊंची होगी, याली भूमि ज्यादा ऊंची होगी, तभी तो पानी यहां से होके बह रहा है। तो क्या हुआ, इस समय जो प्रमुख स्थल थे वो कहाँ मिले? यहाँ ऊंचे की तरफ, और बाकी कहाँ मिले? यहाँ नीचे की तरफ। इसको पश्चिमी टीला बोला गया, इसको पूर्वी टीला बोला गया। पश्चिमी टीले पे कैसे कैसे थे? जैसे आपका नगार हो गया, ठीक है, दूसरी बिल्डिंग हो गई, वो सब कहाँ मिली है? यहाँ मिली है, जो फेमस थी। ठीक है, जो शाही लोग, अंदाजा लगाया गया इस बात से कि जो शाही लोग थे वो कहाँ रहते थे? यहाँ। जो गरीब लोग थे वो कहाँ रहते थे? यहाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी का पानी आता था, बाढ़ आए तो किसको प्रभावित करेगी? गरीबों को, अमीर बचे थे। बात है सर, और ये बात आज तक सच है, उस समय से लेकर आज तक ये बात सच रही है कि दो तरह के वर्ग हुए इस दुनिया में, एक शाही वर्ग, एक सामान्य वर्ग, और ये दोनों वर्ग कभी एक साथ नहीं रहे, नहीं रहे। ठीक है, ये बात आपसे नहीं, हड़प्पा सभ्यता से है कि जो शाही वर्ग था उसने अपने हिसाब से सब चीजें सेलेक्ट कर रखी हैं कि हाँ, यहाँ तूफान का भी कम खतरा है, भूकंप का भी कम खतरा है, पानी का भी कम खतरा है, अच्छा तो ये जमीन हमारी हुई। बात आई समझ में? तो ये चीजें आज भी चली आ रही है, देख तो हो गए। तो नगरीय व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, तो पश्चिमी टीले पे दुर्ग किले वगैरह बने थे, पूर्वी पे ऐसा कुछ नहीं था। तो हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ लिया, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब हड़प्पा के बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ठीक है। इसकी खोज कब करी गई? 1922 ठीक है। मोहनजोदड़ो जो एक हड़प्पा का स्थल है, इसकी खोज कब की गई? 1922 में करी गई। और ये किसके द्वारा करी 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 गई? राखल दास बनर्जी द्वारा। राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी द्वारा। खोज किसके द्वारा करी गई? राखल दास बनर्जी द्वारा। किसकी करी गई? मोहनजोदड़ो की करी गई। और हड़प्पा की किसके द्वारा करी गई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो ठीक है। अब ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है? कौन से देश में पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। यह स्थान पाकिस्तान में पड़ता है। और ये कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, इस बात को याद रखना, आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ठीक है। और यह है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर। ऑप्शन में आया कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। देखो, शहर और स्थल में अंतर होता है। शहर और स्थल में जमीन आसमान का अंतर होता है। शहर और स्थल को एक मत समझ लेना। देखो, टर्म की बात होती है, शहर लिखा है ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा हुआ? मोहनजोदड़ो हुआ ठीक है। मोहनजोदड़ो हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे 21 कंकालों के प्रमाण मिले हैं, लिखना साथ साथ प्रमाण मिले हैं, लेकिन कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। 21 कंकालों के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन कब्रिस्तान के प्रमाण यहां से नहीं मिले, नहीं मिले ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। बात है समझ में? देखो, समझो बात को। हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो किसने खोज करी, किस सन में करी, ये पता चल गया। सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पता चल गया। अब क्या पता लगाना है? दूसरी बात है, जैसे ये सबसे बड़ा शहर है, दूसरा यहां से 11 कंकालों का प्रमाण मिला, लेकिन कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला ठीक है। इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। दूसरी बात, यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? यहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? जैसे पहला पुरोहित आवास, पुरोहित आवास ठीक है। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, घर में कुआ, कुआ ठीक है। तीसरा विशाल, मतलब बहुत बड़ा स्नानागार ठीक है, बाथरूम, बहुत बड़ा बाथरूम मिला यहां से ठीक है। तो पुरोहित का आवास मिला है, कुआ मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, और क्या मिला है? अन्नागार मिला है,
अन्नागार ग्रेनरी सिस्टम मिला यहाँ से। और क्या, और क्या भाई, और क्या है? सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र और सबसे चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, सभागार। पशुपति शिव की, पशुपति शिव की रचना मिली है, पशुपति शिव की रचना मिली है। ठीक है, और क्या प्रमुख चीजें जो यहां से मिली है आपको? वो मिली है कांसे की नृत्य की, कांसे की, नृत्य की, और दूसरा तांबे का ढेर। ठीक है, एक बार किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था, मनुष्य द्वारा कौन सी धातु सर्वप्रथम प्रयोग की गई? ऑप्शन ए था उसमें लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी दोनों। सबसे पहले कौन सी यूज करी थी, कौन सी यूज करी गई थी? तांबा। बात हुई क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? पूछ सकते हो, देखते हैं। चलो एक बार, मोहनजोदड़ो 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा खोज करी गई। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा शहर है। 21 कंकालों का प्रमाण मिले, लेकिन कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं मिला, जिस कारण इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली, जैसे पुरोहित का आवास, कुआ, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र और सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नृत्य की और तांबे का ढेर। तांबे का ढेर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक, एक चीज और याद रखना, नोट लगा के, मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। सिंधु घाटी सभ्यता से सब चीजों के प्रमाण मिले, लेकिन पुरोहित आवास मिला, लेकिन मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिलते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाते थे, ऐसी कोई चीज हमें नहीं मिली, ऐसा कोई एविडेंस हमें नहीं मिली। अब दूसरी चीज एक और याद रखना, ये क्या है? अन्नागार। ठीक है, ये बात भी याद रखना, अन्नागार। मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है, वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या क्या कह सकते हो, भवन। अगर सबसे बड़ी संरचना की बात की जाए, जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु सभ्यता है, वहां की सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए, सबसे बड़े भवन की बात की जाए, तो उसमें किसका जिक्र आता है? उसमें जिक्र आता है मोहनजोदड़ो के अन्नागार का, मोहनजोदड़ो के अन्नागार का। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। एक बात ये जरूर याद रखना कि मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से की नृत्य की, इसके बारे में पूछा गया, कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिलती है। तीसरी चीज, अन्नागार ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत या भवन है, इस बात को याद रखना। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं, नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? अब बात, एक और बात लिखो। ठीक है, अब ये मोहनजोदड़ो जो है, देखो यहाँ पे कितनी चीजें मिली हैं, विशाल विशाल स्नानागार, सूती वस्त्र, ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, और जंगल भी था आसपास, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है इसे, इसे सिंधु सभ्यता का बाग कहा जाता है।
इसको सिंधु सभ्यता का बाघ भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है, कभी भूल जाओ भूलना मत, ठीक है। एक चीज और याद रखना, ठीक है, जहां ये मोहनजोदड़ो है, जहां ये स्थल है, वहां से एक कुषाण काल का एक स्तूप मिलता है, कुषाण काल का एक स्तूप मिलता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो को स्तूप किला कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, स्तूप किला, इसे स्तूप किला कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं देखते, पिलर टाइप में जो होता है, ठीक है, बात आगे समझ। तो सिंधु सभ्यता को, सॉरी, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का बाघ कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पे एक कुषाण काल का हमें स्तूप देखने को मिलता है, इस वजह से इसे स्तूप किला भी कहा जाता है, ये बात याद रखना। मोहनजोदड़ो के बारे में इतना तो आपको पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में उतरते हो, और नहीं पता है तो दिक्कत की बात है बहुत ज्यादा, ठीक है, लिखो इसको, ठीक है। अब अगली साइड की बात करते हैं कि अगली साइड कौन कौन सी है। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो उस तरीके में पढ़ता है और उसी तरीके से वो समझना चाहता है। लेकिन हमें समझना एंशेंट हिस्ट्री को ही है, हमें समझना दूसरे सब्जेक्ट को ही है, ये बात सच है, ठीक है। तो कुल मिला के एक बात जो सच निकल के आया वो ये है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऐसी दवाई की पुड़िया नहीं बनी अभी तक कि आपको घोल के पिला दी जाए और आपके नंबर आ जाए। ऐसी कोई पुड़िया नहीं बनी, ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगली जो साइट है वो है कौन सी, अगली साइट जो है वो कौन सी है, चन्हुद्रो। अगली साइट जो है वो कौन सी है, चन्हुद्रो, चन्हुद्रो, ठीक है। इसकी खोज करी गई थी 1931 में, चन्हुद्रो इसकी खोज कब करी गई थी, 1931। अब चन्हुद्रो जो एक साइट है, जो यह कहा जाए स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, इसकी भी कुछ प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे पहले इसकी खोज किसने करी, तो किसने करी, गोपाल मजूमदार, गोपाल 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 मजूमदार, गोपाल मजूमदार, ठीक है। इसकी खोज किसने करी, गोपाल मजूमदार ने करी 1931 में, इसकी खोज होती है, ठीक है। और कुछ बातें सामने निकल के आती हैं, पहली चीज इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी किनारे कहाँ है, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सिंधु नदी किनारे कहाँ है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरी चीज, यह एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित है, रहित मतलब नहीं है, वहां दुर्ग रहित है क्या मतलब, देखो ये नदी थी, यहाँ गरीब लोग रह रहे थे, यहाँ अमीर लोग रह रहे थे, अमीर लोगों ने बड़े बड़े घर बना रखे थे, दुर्ग बना रहे थे, मतलब किले टाइप में बना रखे थे, ठीक है, इस समय के हिसाब से। तो ये एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है, दुर्ग रहित है, ठीक। तो ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। दुर्ग रहित है, एकमात्र, एग्जाम पूछे आएगा सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो दुर्ग रहित है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चन्हुद्रो, ऑप्शन डी लोथल, कौन सा है भाई, चन्हुद्रो, ठीक है। ये एकमात्र शहर है जो कैसा है, दुर्ग रहित है। अगली चीज जो हमें पता होना चाहिए, ये कैसा है, एक औद्योगिक शहर,
ये कैसा शहर है? एक औद्योगिक शहर। कैसा शहर है? औद्योगिक शहर। औद्योगिक शहर, ठीक है, औद्योगिक शहर। ये कैसा है? औद्योगिक शहर। और यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं पाई जाती हैं, मतलब बहुत तरह की चीजें यहाँ से मिली जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला मेकअप, जो मेकअप की सामग्री होती है वो यहाँ से पाई गई, जैसे जैसे लिपस्टिक, जैसे लिपस्टिक, समझ रहे हो? जो मेकअप का सामान है वो सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है, ठीक है, मतलब स्त्रियों को जो मेकअप और श्रृंगार का जो शौक है वो अब से नहीं है, प्राचीन समय से ही है, ठीक है। जैसे लिपस्टिक हमें कब देखने को मिलती है? चंदनदुड़ वाली साइट में मिल देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे शीशा हुआ, शीशा शीशा हुआ, मन का हुआ, मेकअप की सामग्री लिपस्टिक हुआ, शीशा हुआ, मनका हुआ, गुड़िया हुई, सुई हुई, गुड़िया हुई, सुई हुई, गुड़िया हुई, आपकी सुई हुई, अलंकृत ईंट हुई, और बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता, ठीक है, इस तरीके की चीजें मिली, ठीक है। और अलंकृत ईंट का मतलब ये हुआ, ला है, अलंकृत ईंट का मतलब ये हुआ, ईंट है उस पर सजावट नहीं करते थे, जैसे तो आज के समय में ईंट कैसी होती है, ईंट होती है, ये ईंट होती है, इसमें डिजाइन डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, या ये ईंट होती है, इस तरीके से डिजाइन डाल दिया, तो इस तरीके की ईंट को बोल जाता है अलंकृत ईंट, जिस ईंट को सजा के बनाया गया हो, तो अलंकृत ईंट के भी यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। तो वस्तुओं क्या मिली? मेकअप मिली, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ यह कुत्ता, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सी साइट कहाँ से मिली है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो दिक्कत की बात है, पता ही सुनिए। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो लिपस्टिक के निम्नलिखित में कौन सी साइट से मिली, चन्हुदड़ो से मिली, ठीक है। ये चीजें इस वजह से ही पढ़ाई जा रही है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अच्छी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। ये आसान तरीका था, इनको याद रखना, इनको प्रैक्टिस करो, लिखो और प्रैक्टिस करो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और नहीं पता है तो दिक्कत की बात है, बताइए सुन। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें समझने की है, जैसे औद्योगिक शहर है, जब औद्योगिक शहर है तो यहाँ से क्या मिला है भाई? ज्यादातर आप देखोगे ऐसी चीजें मिली, जैसे मेकअप, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, मतलब ऐसी चीज मिले जिसको प्रोडक्शन किया जा सकता था, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, औद्योगिक शहर से ऐसी चीजें मिली हैं। वहीं आप दूसरे शहर देखोगे, जैसे आपका हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, वहां से कैसी चीजें मिली हैं, वहां से क्या कैसी चीजें मिली है, कैसी चीजें मिली है, नहीं नहीं मिली ना। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान के, जैसे इंसान के संग होता है, जैसे उसका गुण होते हैं वैसे उसका भेष हो जाता है, वही हिसाब यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, आशा करता हूँ सब चीजें समझ में आई होंगी, जो दूसरी साइट है उनके बारे में पढ़ना रह गया है उनको पढ़ेंगे अगली क्लास में।